हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर सी फाइन छोटू व्लॉग। क्या बोल दी पब्लिक? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ तो एक हफ्ते में इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, अभी जा रहे हैं हम लोग महफूज की शॉपिंग के लिए बैंड्रा, वो भी डिवाइन कलेक्शन, जो कि हम लोग ने इंस्टाग्राम पे देखे बहुत चल रहा है। तो हम लोग सोच रहे कि वहाँ पर जाके विजिट करते, देखते क्या है क्या नहीं, तो फिर इनके लिए भी शॉपिंग करेंगे। मेरी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है क्योंकि मैं एकदम सस्ते वाली हूँ, यही महंगे वाले डिवाइन हाँ। सो गाइस चलो अच्छे से बात कर। पहले मलाड पहुँचेंगे, फिर वहाँ से ट्रेन से जाएंगे। नो गाड़ी आज, आज ट्रैवलिंग करके जाएंगे। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग बांद्रा स्टेशन पहुँच गए। मलाड की तरफ इतनी गर्दी थी कि हम लोग को फटाफट चढ़ना पड़ा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिवाइन कलेक्शन। फिर पीछे पीछे मेरे दो अनमोल रतन, मेरे ननन नंदोई, उन लोगों को भी साथ में लेके आए हम लोग। मेरी जबान स्लिप हो जाती है, जाने दो छोड़ो। तो चलो फटाफट डिवाइन कलेक्शन पहुँचते और मिलते उधर पे, क्या क्या कलेक्शन है बताते। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ डिवाइन कलेक्शन और उन लोग आ रहे दूसरी रिक्शा में, मैं आ गया था दूसरी रिक्शा में। तो इधर तो फटी गर्दी लग रही थी मेरे को, नहीं क्या मैं दिखा था तुम लोगों को कितनी गर्दी है। फाइनली डिवाइन कलेक्शन पहुंच चुके और मैं इससे पहले अंदर जाऊँ, महफूज अंदर जाके देखो ना खड़े रहकर शॉपिंग करना भी स्टार्ट कर दिए। सो गाइस चलो चलते हैं अंदर, देखते क्या क्या कलेक्शन। सो गाइज, जैसे ही हम लोग डिवाइन कलेक्शन पहुँचे, यहाँ पर और भी कुछ कलेक्शंस थे, जैसे कि यहाँ पर ब्रेसलेट अवेलेबल है, चेन अवेलेबल है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल थी जो हम लोग ने स्मॉल सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाया है आपको। चलो भाई जान अंदर। गाइज डिवाइन कलेक्शन, ये 1000 में 3 जींस है भाई। डिवाइन कलेक्शन की दुकान, ये सिर्फ बांद्रा की है, बांद्रा वेस्ट की तरफ है, के मोतीवाला ज्वेलर्स है उसके सामने। तो यहाँ पर जैसे सेल्स लगा हुआ रहता है, इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो मैं तो सभी वाइट जीन्स वगैरह देख रहे हैं, भाई बता रहे हैं अभी यहाँ पर वेराइटीज बहुत अच्छी है, आप चाहो तो एक बार आके देख सकते हो, इसीलिए इनकी शॉपिंग यहाँ से करना है। बताओ क्या पसंद करे हो। वाइट शी फाइन छोटू ब्लॉग्स और हम लोग इंस्टाग्राम से ही देख के आए यहाँ पर, मैं फॉलो भी करती हूँ उनके पेज को। कलेक्शन में यहाँ पर जूते का शॉप अलग से, मतलब साथ में ही है, यहाँ पर लगा हुआ है 1200 में 3 जूता और एक जूता 500 रुपये में। तो मैं खुद अभी शूज़ ही देख रहे हैं, तो देखते हैं उनको कौन सा शूज़ पसंद आता है। यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं अपन, अपनी मर्जी के ऊपर है, अभी चेक कर रहे हैं वो, जो पसंद आएगा देखते हैं। अभी डिवाइन कलेक्शन से निकल चुके हैं और थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे अभी यही दिखाते हुए चले गए। सो गाइस, यहाँ से थोड़ा नज़दीक ही हिल रोड है जहाँ पर सब सस्ते सस्ते मिलते हैं, तो वहीं से मैं टॉप लूँगी। हम सस्ते वाले भाई, ये बहुत महंगे हैं। तो यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थोड़ा हिल रोड है, इनके लिए भी सस्ता वस्ता ढूंढ के निकालूंगी मैं भी, इनकी औरत हूँ। लेकिन डिवाइन कलेक्शन से अच्छी जीन्स मिली है, विजिट कर सकते हो आप लोग। तो चलो चलते हैं फटाफट, हिल रोड पहुँचते और मुझे ये लूज दिख रहा है पीछे से, मतलब ये जूता ले रही है, जूता बूट्स बूट्स भाग जा। पैर देखो और बूट्स देखो, इतने दुबले पतले पैर दिख रहे हैं, बट शॉर्ट्स पहनने में प्रॉपर हो जाएगा। लेके भाग जा, मैं
ऐसी नहीं यूज़ उनका ध्यान उधर है। अबे कुछ मत बोल, मैं बोलूँ लास्ट बस बस अबे कुछ भी मत बोलो। घूमने जा रहा हूँ लेके, हाँ तो घूमने जा रही तो क्या पूरे पैसे तुमको लेके जाऊँ? नहीं नहीं मैं जितना बोलूँ उतना ही दूँगी। दे दो भाई दे दो, गरीब लोग हैं हम लोग। अब तीन चार जन आ जाएंगे तुम्हारी दुकान। खत्म नहीं हो रहा और खुद का खत्म नहीं हो रहा वो कुछ रे। हाँ कलेक्शन से हम आ गए रोड कलेक्शन। तो डिवाइन कलेक्शन में जो लेने का था वो ले लिए ना? अभी फिलहाल जो चाहिए अभी बोलो। डिवाइन कलेक्शन में टी शर्ट सही नहीं थी ना, है ना उबेद भाई? टी शर्ट सही नहीं लगी मेरे को, तो अभी चलो देखते हैं। ब्लैक छोड़ के दूसरे कलर लो, मैं अभी बोल रही हूँ। सॉरी अभी बोल रही हूँ। अभी बोल रही हूँ। चलो देखते हैं अभी ये क्या क्या पसंद करते क्या नहीं। ऐसे नेक कॉलर में क्या फुल लेंथ होनी चाहिए, मतलब इतनी तो भी आनी चाहिए। ये अच्छी लग रही, ले ले फटफट। इसमें भी कुछ कम नहीं करेंगे 300 वाले में भी? नहीं वो सब सिर पे आ जाए, वो उसमें क्या कम करें? 750 बता, इसमें समझ में आता है 150 कम कर देना चाहिए, तो इससे कम क्या करें? ले लो टी शर्ट। फाइनली मेरी और छोटू की दोनों की शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम लोग पी रहे हैं मैंगो जूस। बाइडन को देखो। तो गाइस चलो बहुत भूख लग रही है, मैंगो जूस पी के और निकलते हैं मलाड के लिए। पाव भाजी खाने राजा कृष्णा में, शॉपिंग की थैलियाँ सब यहाँ पर है और कुछ भाईजान के हाथ के पीछे। तो फिर चलो पाव भाजी आती, क्या खाने का तुम्हारे को? हाँ पाव भाजी आ चुका है और ये खाना भी स्टार्ट हो गया वीडियो लेने से पहले। दोनों तरफ का पाव भाजी आ चुका है, सिवाय जूस के कुछ भी नहीं पिए थे हम लोग। चलो खाते हैं फिर। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके घर पे आ चुके हैं और हमजा भी हम लोग के साथ है। और अभी हम लोग की शॉपिंग हो गई है पूरी, तो हम लोग ने सब चीज़ घर पे रख के आए और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी सास के उधर। तो मैं आपको घर पे जाके पूरा प्रॉपर बता दूंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग करे है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हंसी आ रही है। सलाम करो मम्मी, सलाम करो अपने सब्सक्राइबर लोग को, सलाम करो। हे एक्टिंग करता है चल। तो मैं आप लोगों को घर पे जाके बताऊंगी प्रॉपर शॉपिंग हम लोग ने क्या की है क्या नहीं लिया है, आप लोग को पूरा मैं बेड पे रख के बता दूंगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं उधर पे और मिलते हैं सबसे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आज गए थे शॉपिंग पे और शिफा ने आपको बोली थी मैं क्या क्या ले रही हूँ मैं बताती हूँ, तो वो तो अभी है नहीं, वो फिलहाल दूसरे काम में बिजी है। तो मैं बता देता हूँ हम लोग ने क्या क्या शॉपिंग करे क्या क्या नहीं करे, तो मैं बताता आप। ये मैंने डिवाइन कलेक्शन से 1000 की 3 जीन्स लिया हूँ और ये 1200 की 3 टी शर्ट लिया हूँ, सब अलग अलग कलर है। और शिफा ने ये स्वेट ली है, स्वेट शर्ट क्या टी शर्ट है ये ली, और उसने भी 2 टी शर्ट ली सेम मेरे जैसी मैचिंग ये है। फिर उसने ये बूट ली पहनने के लिए, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पहनने के लिए ये बूट ली 2। फिर ये ली हम लोग ने चप्पल वहाँ पहनने के लिए, ये शिफा की है वो मेरी है। जैसा कि वो बताई थी ये हम लोग कल के दिन आज वाले दिन इतना हम लोग ने शॉपिंग करके आए। सो गाइस फाइनली हम लोग सास के घर से जाके आ चुके हैं और हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो पूरा सस्पेंस था कि हम लोग ने किस लिए शॉपिंग करी, बता दे क्या? नहीं नहीं मत बता। सो गाइस हम लोग जाने वाले फिर से एक बार ट्रिप पे, वो भी हमसा को छोड़ के। पहली बार हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं अकेले,
वन माइक शो है ना। हम लोग गाइस ट्रिप पे जा रहे हैं, पता हम लोग तो अकेले नहीं, हम लोग के साथ ग्रुप पे, हम लोग के साथ ग्रुप है, लेकिन हमजा को छोड़ के हम लोग अकेले जा रहे हैं, अकेले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि हमजा को कहाँ छोड़ेंगे, हमजा के नानी नाना है अभी, हमजा के नानी नाना है अभी फिलहाल के लिए, तो उन लोग संभालेंगे। तो मस्त हम लोग ट्रिप पे जाने वाले, बहुत मजा आने वाली, सस्पेंस ये बोल रहे बनाए रखने के लिए तो बनाए रखते। मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है, बस इनकी शॉपिंग दिखाए, और मेरी भी थोड़ी बहुत जो है वो दिखा दी मैंने, थोड़ी बहुत दिखाई उसने, पूरी नहीं दिखाया। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। नहीं ऐसा ब्लॉग आता रहेगा, अभी लगातार हैट्रिक इंशाल्लाह, अगर उधर पे ऐसा नेटवर्क इशू नहीं रहेगा तो हम लोग प्रॉपर अपडेट डालते रहेंगे। नेटवर्क इशू रहेगा तो हम लोग नहीं डाल पाएंगे, तो फिर समझ के लेना थोड़ा, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे हमारी तरफ से, रोज डाले, रोज 15 दिन रहेंगे हम लोग, 15 दिन का 15 ब्लॉग आएगा। अरे क्या झूठे बात है, 15 दिन नहीं आई जाएंगे, झूठ बोल रहे। जैसे जैसे हम लोग को टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाने के लिए, वैसा वैसा हम लोग ब्लॉग्स डालेंगे, अपलोड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग दोनों भी सिम ले लेंगे, न्यू है ना, सिम लेने से अभी तुम लोग समझ जाओ कि हम लोग कहाँ जाने वाले। तो हम लोग ट्राई करेंगे डालने के लिए, तो जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, कमेंट करो, दबा कर सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, अल्लाह।